नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉइज वैली में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि सोनू सूद जी की तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाएगा जो स्टूडेंट्स क्लास 12 पास करने के बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई करना चाहते हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम है सोनू सूद स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप की जानकारी सोनू सूद जी ने अपने ट्विटर हैंडल में ट्वीट करके दी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही सही मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल द नॉइज वैली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए बिल्कुल भी देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ देखिए जो सोनू सूद जी ने ट्वीट किया था, यहाँ पे ट्वीट पे देखिए एक ईमेल दिया हुआ है scholarship@sonusood.me। इस ईमेल आईडी पर आपको एक ईमेल भेजना होगा, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो लोग आपको सेंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जो ईमेल आईडी दिया हुआ है इस पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ईमेल करते हैं। ईमेल करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। यहाँ देखिए मैंने अपना जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कंपोज, यहाँ पर कंपोज पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए दिखा रहा है फ्रॉम टू सब्जेक्ट और कंपोज ईमेल। जो यहाँ पे फ्रॉम दिखा रहा है, फ्रॉम में आपका जो जीमेल आईडी है वो रहेगा, और जो टू दिखा रहा है, टू में यहाँ पे रहेगा स्कॉलरशिप जो वहाँ पे दिया हुआ था। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है scholarship@sonusood.me, और यहाँ पे सब्जेक्ट पे लिख देना है आपको स्कॉलरशिप। सब्जेक्ट पे मैंने देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप लिख दिया है, और कंपोज ईमेल में आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखिए मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन लिख दिया है, फ्रॉम में अपना ईमेल आईडी का नाम दे दिया है, और टू में scholarship@sonusood.me लिख दिया है, और सब्जेक्ट था वहाँ पे स्कॉलरशिप लिख दिया है, और कंपोज ईमेल में अपना नाम लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सेंड का ऑप्शन, तो यहाँ पे सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सेंड कर देने के बाद आपको कुछ देर वेट करना होगा, वेट करने के बाद वो लोग आपको एक ईमेल भेजेंगे। तो देखिए यहाँ पे उन लोगों ने ईमेल भेज दिया है, कुछ ही देर, ज़्यादा वक्त नहीं लगा, उन लोगों ने ईमेल कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है ब्लू कलर से, एक देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपका जो है वो फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए जो फॉर्म है वो ओपन होके आ चुका है। तो क्या क्या इस फॉर्म में फिलअप करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस फॉर्म को फिलअप करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक रिक्वायर्ड बोल के लिखा हुआ है, जब आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले बोला है मेक श्योर ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू, यू वुड बी आस्क्ड फॉर योर डॉक्यूमेंट लाइक क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 12 मार्कशीट, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नेम भरना होगा, उसके बाद आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भरना होगा, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद आपको स्टेट भरना होगा, आप लोग जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का नाम भरना होगा। उसके बाद बोला है देखिए यहाँ पे विल यू बी ओके टू स्टडी इन कॉलेज आउटसाइड योर स्टेट। यहाँ बोला है यदि आप लोग अदर स्टेट में जाके अपना कॉलेज का एजुकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मे बी, आप लोग कन्फ्यूज हैं, करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं, आप लोग कन्फ्यूज है, इसीलिए अगर आप लोग कन्फ्यूज है तो आप लोग मे बी पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो यस या नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ बोला है नेम ऑफ स्कूल एंड सिटी ग्रेड 12, आप लोगों ने क्लास 12 जिस स्कूल से पास आउट किया था उस स्कूल का नेम फिलअप कर दीजिएगा, और आपका स्कूल जिस सिटी में था उस सिटी का नाम फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ बोला है ग्रेड 12 सब्जेक्ट, आप लोगों ने क्लास 12 कौन से स्ट्रीम से पास आउट किया था उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बोला है ग्रेड 12 बोर्ड, आप लोगों ने किस बोर्ड से एग्ज़ाम दिया था उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ बोला है ग्रेड 12 स्कोर, आप लोगों का क्लास 12 का जितना स्कोर था उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा।
सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ देखिए बोला है व्हाट इज़ एनुअल फैमिली इनकम। आप लोगों का एनुअल फैमिली इनकम यानी कि आप लोगों का फैमिली का एक साल का जितना इनकम है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ बोला है देखिए प्रीफर्ड कोर्स, आप लोगों ने कॉलेज में जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं इस फॉर्म को फटाफट फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन सही से फिलअप कर दिया है। करने के बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे बोला है व्हाट आर योर लाइफ गोल, आपका यानी आपका लाइफ का क्या गोल है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद बोला है डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाई डू यू वॉन्ट द स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे मैं इसको ही फटाफट फिलअप कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपना लाइफ का गोल में लिखा है आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, और यहाँ पे डिस्क्राइब ब्रीफली में लिख दिया है माई फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ वेरी वीक सो आई नीड दिस स्कॉलरशिप, ये लिख दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है देयर आर ऑल्सो अपॉर्चुनिटी विथ पार्शियल स्कॉलरशिप, वुड यू बी ओपन टू दैट। यहाँ देखिए बोला है आपको पार्शियल स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है यस आई कैन बियर हाफ ऑफ द कॉलेज एक्सपेंसेस। यहाँ बोला है सबसे पहला ऑप्शन में बोला गया है आप लोग अपना कॉलेज का फीस जो है वो आधा आप लोग बियर कर सकते हैं, यानी आप लोग उठा सकते हैं। यदि आप लोग पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को स्कॉलरशिप का आधा पैसा दिया जाएगा। यदि आप लोग दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, दूसरा ऑप्शन में बोला गया है नो आई एम इन नीड ऑफ फुल स्कॉलरशिप ओनली। यदि आप लोग दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को स्कॉलरशिप का पूरा पैसा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए तीन नंबर बोला है बोथ ऑप्शंस आर ओके, यानी दोनों ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है तो आप लोग तीसरे वालों को सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे तीसरे वालों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट, उसके बाद आप लोग सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है स्कॉलरशिप के लिए वो रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। इसी स्टेप को फॉलो करके आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जल्दी से कर दीजिए ताकि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हो सके। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सोनू सूद स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। यदि अभी भी आपको कुछ भी पूछना है इस स्कॉलरशिप के बारे में तो आप अपना क्वेश्चन वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी सोनू सूद स्कॉलरशिप के बारे में पता चल सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।